जालौन की उरई सेंट्रल बैंक में हुई लूट की घटना के बाद भी बैंक कर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही लगातार दिखा रहे। ताज़ा मामला जालौन की कांजी हाउस स्थित एक्सिस बैंक का है, जहां बैंक कर्मी इतने लापरवाह दिखे कि वह बैंक का सारा रुपया कैश काउंटर पर छोड़कर और लॉकर को बिना बंद किए ताला खुला छोड़कर पिकनिक मनाने के लिए बाहर चले गए। इस लापरवाही के बारे में तब पता चला जब बैंक का ग्राहक कपूर सिंह रुपए निकालने पहुंचा, लेकिन बैंक का कोई भी कर्मचारी बैंक के अंदर नहीं दिखाई दिया। तो रुपए निकालने आए ग्राहक ने यहां वहां देखा और आवाज भी लगाई, लेकिन कर्मचारी की नदारत और बैंक के कैश काउंटर पर रुपए रखे और लॉकर का ताला खुला देख वह बाहर लगे एटीएम में पहुंचा, जहां उसने एटीएम की सुरक्षा में तैनात गार्ड दयाशंकर से पूछा, लेकिन उसे भी पता न होने पर वह अंदर पहुंचा, लेकिन कोई न होने पर वह सप्ते में आ गया। गार्ड दयाशंकर ने बताया कि सभी कर्मचारी कहीं चले गए हैं और बैंक मैनेजर प्रदीप कुमार सिंह भी नहीं है। गार्ड दयाशंकर के पास सुरक्षा के लिए कोई बंदूक भी नहीं है। तो इस बैंक में क्या सुरक्षा गार्ड है? जी। तो आपका स्टाफ कहाँ गया है? और स्टाफ बैंक गया हुआ है। कितनी देर हो गई लगभग? 4:15 पे निकल गए। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी समय हो रहा है 4:35 हो रहा है। तो आप जो है एटीएम में हैं, बैंक का भी दर्द देखते हैं? जी, लेकिन बैंक का कोई वो नहीं है। कैसे जमा हुआ है? कैश जमा नहीं हुआ है। लॉकर है वो भी खुला हुआ है। मेयर साहब का क्या नाम है आपके? प्रदीप कुमार सिंह। अब सवाल यह उठता है कि जब उरई के सेंट्रल बैंक में दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट हो गई है, तो फिर बैंक के कर्मचारी क्यों इतने लापरवाह हो गए हैं कि बैंक को खुला छोड़कर चले गए? मैंने देखा कि शटर एक गार्ड था और शटर खुली हुई थी, अंदर देखा तो लॉकर पड़ा खुला पड़ा। अच्छा, बैंक कोई था? नहीं, कोई नहीं था। जब आपने वहाँ से पूछा उन्होंने क्या किया, कहाँ गए हुए? बोले निकल गए।